बिक्री हो रही है और ईवीएम को लेकर बहस तेज होता जा रहा है। मेरे साथ शरद यादव हैं, 11 बार संसद में रहे हैं और समझिए कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। ईवीएम को इन्होंने आते भी देखा है और हो सकता है कि जाते हुए भी देखे। सर, ईवीएम को लेकर लगातार बहस तेज हो रही है। पहले दो तरह की चीज़ हो गई, एक तो ईवीएम के बारे में पूरे देश में भ्रम फैला हुआ है, लेकिन नया फिनोमेना यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो केरला जैसी एक सीट पर, एक विधानसभा सीट पर, बाकी देश भर में 170 ईवीएम का मतलब है कि चुनाव का फैसला प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है। एक है ईवीएम के बारे में भ्रम फैला हुआ है, दूसरा मुद्दा यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी किस तरह से, यानी 170 ईवीएम खराब है, उनमें सुधारने में कितना समय लगेगा, उसमें मतदाता कितनी देर तक ठहरा गर्मी में, यानी और ये कह रहे हैं कि वो ईवीएम जो है वो गर्मी के चलते उसको लू लग गई है और इसको इतना बड़ा लेप्स चुनाव आयोग इसको नहीं मान रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका इसमें हाथ हो सकता है, ऐसा आरएलडी के लोग मेरे पास आए थे तो वो कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्स हुआ वहाँ। एक है ईवीएम का लेप्स यानी भ्रम, दूसरा जमीन पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिसकी सरकार है उससे इन्फ्लुएंस होकर के ये करता है, ये एक तरह से आरएलडी के लोगों को जो वहाँ चुनाव कर रहे थे उनका ये आरोप है। यानी दो तरह की चीज़ है, एक तो ईवीएम में भ्रम था, उसको पार करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सरकार जिसकी है उसके हक में। लोग आरोप लगा रहे हैं सर कि खासकर दलित और मुस्लिम बहुल इलाके के जो ईवीएम थे वो खराब हुए हैं। कुछ कांग्रेस के और सपा के नेता भी कल चुनाव आयोग से मिले थे, लेकिन चुनाव आयोग क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेवरिज्म कर रहा है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है? आपको लगता है इस तरह के हालात कभी इससे पहले बने थे जब चुनाव आयोग पर इस तरह के सवाल उठने लगे हों? नहीं, मैं मानता हूँ कि चुनाव आयोग को सामने जो चीज़ें आई हैं तो जहाँ चुनाव होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होता है, तो जो दलित है और जो मुस्लिम इलाके में जो ईवीएम खराब हुए हैं तो ये और गंभीर बात है, इसलिए इसकी गहराई से जांच करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है, चुनाव आयोग जैसे सूबे का चुनाव होता ट्रांसफर तबादला करता है, उसी तरह से उनको जिस तरह का बिगाड़ हुआ है बीजेपी के आने के बाद, अब हर जगह जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ के अफसर जो है उनके बारे में भी इनको सोचना चाहिए कि अफसर निष्पक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा। लोगों पर लाठियाँ भी चलाई गई सर, पुलिस ने लाठियाँ भाजी है। मैं कह रहा हूँ ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज हो करके ईवीएम का दलित और मुस्लिम मोहल्लों में, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कड़ाई किया, लाठीचार्ज किया, ये सारी चीज़ जो है वो चुनाव आयोग को देखना है, समझना है और गहराई से इसकी जांच करके इसका निदान निकालना। सर, 9 किलोमीटर रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने लगे, आपके समय में कभी आपने देखा था? आपने कई प्रधानमंत्री को काफ़ी करीब से देखा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बीजेपी सरकार किसी तरह की संविधान की मर्यादा मानने को तैयार ही नहीं, इसलिए तो सेफ कंपोजिट कल्चर है, साझा विरासत बचाओ जो है वो संविधान बचाओ है। इस सरकार के चलते मैंने बाकायदा चुनाव आयोग को एकदम उनके फैसले को उसी समय रोकना चाहिए था या उसकी कोई सजा मुकर्रर करना चाहिए। प्रधानमंत्री जो है 5 रुपये 50 पैसे हर कुंटल पर, यानी बाहर एक तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए अनाउंसमेंट करता है, और क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे बड़ी संस्था का एक वो आदमी है, वो आकर के वहाँ जो गन्ना का इलाका है उसमें गन्ने के नाम पर देश के लिए गन्ना किसान के लिए नहीं अनाउंस कर रहा, सिर्फ यूपी के गन्ना को और ख़ास करके वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा गन्ना, तो वहाँ गन्ना के दाम बढ़ाने का मतलब है कि सीधा सीधा वहाँ गन्ना का इलाका उसको प्रभावित करने का काम किया। एक सवाल सर, नीतीश कुमार ने कहा है कि नोटबंदी से गरीबों को अब नुकसान हुआ, जबकि मुझे भूल हुई थी कि मैं समर्थक था, लोग कमाने लगे कि वो फिर से हो सकता है कि पाला बदल। नहीं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने कहा था और सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया था, बहुत लोगों ने किया था, लेकिन नोटबंदी के बारे में मैंने बहुत समझाया, देश तबाह हो गया,
तो वो जो बयान है वो जाना था एनडीए में, वो हमारी मतलब समझ का, हम हमारी समझ और हमारा विश्वास जो है वो इतना था कि हम ये बात सोच नहीं पाए। वो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने सब बयान दिए थे। अब चूंकि उस रास्ते में दिक्कत हो रही थी, वो पलट रहे हैं, ये है। तो घर वापसी हो सकती है उनकी? कोई सवाल ही नहीं, ना उनके एप्लीकेशन है ना इसका इस तरह का कोई सवाल है। यदि उनके आना होगा तो जनता भाग जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, लगातार चाहे वो कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण हो या लगातार देश भर के तमाम जो विपक्षी नेता है वो एनडीए के खिलाफ, एनडीए जो 30-40 दलों का गठबंधन है उसके खिलाफ एक एकजुटता की बात करें, जनता ऐसी मांग कर रही है और कह रही है कि शरद यादव में ही इसकी लीड ले सकते हैं, वो सीनियर नेता हैं, वेटरन हैं, लंबा अनुभव है और वही चाहे तो एक मंच पर सबको जुटा सकते हैं। नहीं, एक मंच पर लगभग लोग हैं जो साझा विरासत दिल्ली में हुई, साझा विरासत मध्य प्रदेश में हुई, सेम कंपोजिट कल्चर है, वो सेम सब कॉन्स्टिट्यूशन, वो राजस्थान में जयपुर में हुई, मुंबई में महाराष्ट्र में हुई, फिर संविधान बचाओ 26 जनवरी को हुआ है, शरद पवार हम दोनों थे। यानी ये लड़ाई जो आप कह रहे हो गोलबंदी वाली, और ओथ सेरेमनी में तो सभी लोग गए थे कि लोकतंत्र जो है वो बच गया, उस लोकतंत्र बचने का उत्सव था, इसलिए सब लोग गए थे। आप लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक भी है, एक बड़ी बैठक भी हुई है, उस पर क्या कहें? लेकिन लोकतांत्रिक जनता दल नहीं, ये पुरानी जनता दल जो था उसके लोगों का भी काफ़ी निर्णय था कि आगे किस तरह से जो है वो जो नई पार्टी बनी है और जो हमारे लोग हैं उनके बीच में कैसे काम का कैसे एक रास्ता बने। आपने एक बयान दिया है एक बड़े अखबार में कि इमरजेंसी है, ये इंटरनल इमरजेंसी लागू नहीं, अघोषित इमरजेंसी लागू है, यानी घोषित नहीं है। एक बार घोषित हुई थी तो वो सुधार लिया था हमने, अब तो ये चारों तरफ फैली हुई है, अघोषित है ये, यानी संविधान के बाहर गाय हो आपका क्या कहते हैं ताजमहल हो, टीपू सुल्तान हो, आपका नमाज पढ़ने का हो, जिन्ना का प्रकरण हो, ये लगातार रामजादा हरामजादा जो मतलब कोई उत्तर भारत में कहीं कोई बीफ नहीं खाता है, तो एक मुख्यमंत्री बोलता है हरियाणा का कि भाई जो यानी बीफ खा रहा है वो पाकिस्तान जाए, कोई बीफ खा ही नहीं रहा पाकिस्तान के लिए, क्यों बोल रहा कभी कैसे किसने बोला ही, यानी कानून है बीफ के लिए तो आप कानून पकड़िए। आप बयान दे करके क्या कर रहे हो, यानी समाज में एक तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। तो ये सिर्फ सरकार, ये कम्युनल माइंड है इसका, रिलीजियस माइंड है इसका, धर्म का लाभ उठाना चाहते हो, इसका इकोनॉमिक माइंड नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देना था एक साल में नहीं दिए, किसान का स्वामीनाथन कमेटी लागू करना था 1.5 गुना दाम देना था नहीं दिए, 15 लाख हर एक आदमी के अकाउंट कटाना वो नहीं दिया, सबका साथ सबका विकास की जगह सिर्फ एक टिकट नहीं दिया मुसलमान को पूरे देश में। प्राइस हाई, पेट्रोल के दाम में आ गए, पेट्रोल के दाम जो है वो है बड़े ही नहीं है, 4 साल में 19 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा जनता की जेब से निकाल दिया, और बजट है पिछले साल का 24 लाख करोड़ का, तो 5 लाख करोड़ माइनस कर दो तो एक साल का बजट पूरा का पूरा जनता की जेब से तेल के दाम पर इन्हें निकाल दिया। ये सरकार डीजल और पेट्रोल के लूट पर चल रही है। सर, मोदी हमेशा मतलब चुनावी मोड में होते हैं, भाषण अगर देखे तो विपक्ष की क्या प्लान होगा 2024? उससे 20 गुना ज़्यादा हमारे प्रचार होते हैं, क्योंकि हमारा प्रचार जो है वो जनता में हो रहा है, हमारा प्रचार जो है वो मीडिया में नहीं हो रहा है। तो मीडिया ही सब कुछ नहीं है, मीडिया पहले कहाँ था, जब कबीर था तो मीडिया था क्या, जब कुछ नहीं था तो कोई खबर रुकती थी क्या? तो आजकल जो है वो यानी अपोजिशन जो है वो बड़ा है, यानी 69% 70% है वो, 31% है वक्ता उनके पास एक है, हमारे पास हजारों है। तो ये शरद यादव थे, लगातार नज़र रखे हुए हैं और विपक्षी जो विपक्ष जुटता है उसके प्रतीक बने हुए हैं, और 4-5 इन्होंने बड़ी रैलियां की थी साझा विरासत, उसमें भी तमाम दलों के नेता आए थे, और पूरे देश की नज़र 2019 के चुनाव में शरद यादव पर टिकी हुई है कि क्या शरद यादव
जिन्होंने कभी एनडीए बनाया था, क्या उसी एनडीए के खिलाफ एक बड़ी एकजुटता काम करने में कामयाब होते हैं? वो देखने वाली बात होगी क्या।